Hello guys, welcome back to my channel. And if you're new to my channel, hi, I'm Hiral and welcome to my channel. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे द्वारका में ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी अंडर बजट. एंड मैं ऐसे ही नहीं बात कर रही, अंडर बजट मीन्स वो जो क्लिक बेट है वो सब नहीं कर रही मैं. अंडर बजट मीन्स आई एम सीरियस, लाइक अंडर 1000 rupees यू कैन ट्रैवल विद इन द्वारका एंड यू कैन कवर ऑल द मंदिर्स अंडर 1000 rupees. और उसमें आप फूड, ट्रैवलिंग सब कुछ कवर है. सो यस, आई एम गोना शो यू गाइज इन दिस वीडियो. एंड पर्सनली मेरा तो यार पूरा जो ट्रिप था, मीन्स जो मेरे गाँव से लेके द्वारका एंड देन रिटर्न, मीन्स राउंड ट्रिप वगैरह सबका खर्चा मिला के, खाना वगैरह सबका खर्चा मिला के, टोटल मेरा सिर्फ 715 rupees में मेरा हो गया था. एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि मतलब इतने सस्ते में. सो यस, आई एम गोना शो यू गाइज. कितनी बार बोल दिया मैंने शो यू गाइज. तो बिना कुछ वेस्ट किए लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. आ गई हूँ अपना स्टेशन दिखाती हूँ. द्वारका मंदिर स्टेशन, नॉट मंदिर. अभी हम जा रहे हैं यहाँ से रिक्शा में मंदिर की तरफ. एंड ये पीछे आते हो तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सामान, फोन वगैरह सब कुछ रख सकते हो फ्री में. एंड मतलब ऐसा है कि अपने हिसाब से आपको जो भी देना है उनको वो दे सकते हो, बाकी कोई ऐसा चार्ज नहीं करते. तो हम लोग तो करके आ गए दर्शन, बट स्टिल लेट मी शो यू कि कैसा है क्या है. बंद कर रखा है, लास्ट टाइम मतलब बहुत पहले आई थी तब ये चालू था. उस साइड में सब था, लाइक एक्टिविटीज वगैरह था. अच्छा अभी बंद. हम लोग नागेश्वर और रुक्मिणी मंदिर जाएंगे क्योंकि वो तो हम लोग ने बहुत बार देखा हुआ है, बट ठीक है, मतलब 150 में हो रहा है, ऐसा ही है.
गाइस अभी हम लोग आए हैं नागेश्वर एंड यहाँ पे इतनी भीड़ है भाई साहब, बहुत गजब की भीड़ है। इतनी लंबी लाइन है ना कि पूछो। देखते हैं अंदर शूट करने देंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मंदिर में शूट नहीं करने देते। तो या लेट मी शूट। बहुत ज़्यादा ही रश है एंड यस, मुझे इतनी बड़ी शिव जी की मूर्ति है। अभी हमें फटाफट जाना है क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी आज, वरना यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है नॉर्मली। सो यस, बट हो गए, अब दर्शन चलते हैं। थे गोपी तालाब एंड यहाँ पे ऐसा था कि जो गोपियाँ है वो रास मतलब करने के बाद यहाँ पे नहाए थे। तो ऐसा मानते हैं कि जो इसकी जब ये तालाब सूख जाता है तो जो उसकी मिट्टी है ना उसमें से चंदन की स्मेल आती है। तो ये ऐसी दिखती है ये मिट्टी। सो ये 10 रुपीज़ की इतनी सारी मिट्टी आई है, तो इसमें से चंदन की स्मेल आती है। तो इसका हम टीका वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हैं चंदन की तरह। बेट द्वारिका, अब देखते हैं मंदिर खुला होगा कि नहीं, क्योंकि आधे लोग बोल रहे हैं कि 6 बजे बंद हो जाएगा, आधे लोग बोल रहे हैं कि खुला रहेगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड अभी हम लोग रास्ते में आए तो हमारा थोड़ा टाइम तो उसी में वेस्ट हो गया, क्योंकि ब्रिज पे है ना शूटिंग चल रही थी, तो उसी में हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। बट ठीक है, लेट्स सी कि क्या है। मतलब ये रियल नहीं है, ये बनाई है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए। सो लेट मी शो यू कि कैसा है। 40 रुपीज़ पर पर्सन इधर का टिकट है एंड ऐसा तो देखने में अभी अच्छा लग रहा है, बट अंदर जाके देखते हैं कि क्या है, अच्छे से देखते हैं।
ये मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया. तो बेसिकली यहाँ पे कृष्ण लीला वगैरह दिखाई गई है, झांकियाँ मतलब उनकी दिखाई गई है, एंड सारे भगवान हैं लाइक लक्ष्मी नारायण और सारे गुरु वगैरह एंड ऋषि एंड सब भगवान हैं यहाँ पे. एंड मतलब ये देख सकते हो यार कितना सुंदर सुंदर सा है, लाइक हर एक दीवार पर अलग अलग डिज़ाइन है. जैसे यहाँ पर ये वाली बहुत सही है. ये पीछे लक्ष्मी नारायण जी है एंड सारे मतलब लक्ष्मी जी के सारे अवतार का नाम है ना. तो बहुत अच्छा है झांकी वगैरह एंड बहुत सुंदर है. यस ये बस इतना ही है. आई थिंक 40 रुपीज़ में सही है यार, इतना सब कुछ तुमको देखने को मिल रहा है. मेन मंदिर इन बेट द्वारिका. सो यार बहुत सुंदर मंदिर था. कैसा लगा तेरे को मंदिर? अच्छा. ये वाला नहीं जो हम अंदर गए थे बेट द्वारिका वाला? अच्छा. अच्छा. भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी. सो हम लोग जब गए तभी मंदिर जो है वो खुला, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी. एंड वहाँ पे अभी भी लाइक पुरानी बिल्डिंग जो है उसको, उसका थोड़ा सा ही पार्ट है, उसका थोड़ा सा ही सेक्शन है पुरानी बिल्डिंग का, तो उसको यू नो रिज़र्व करके रखा हुआ है. एंड अलग अलग जगह में अलग अलग मंदिर है. एंड यार कृष्ण जी की मूर्ति यार इतनी सुंदर थी, मतलब एक जो एनर्जी तुम फील करते हो ना द्वारका में, मतलब बेट द्वारका तो मैं जब छोटी थी तब आई थी, उसके बाद मैं अभी आई हूँ. सो लाइक द एनर्जी इज जस्ट, समझ जाओ अब यार, मतलब तुम एकदम से वाइब्रेशन फील करते हो पता है अपने बॉडी में, जैसे तुम प्रे करते हो ना वाइब्रेशन फील करते हो. सो एनर्जी लेवल तो यार बहुत ही गजब लेवल का है यहाँ पे. दीदी भी ब्लॉग कर रही है. मस्त कम जगह है. तालाब है सब घूम गया, सब कवर कर लिया. सो इट वॉज गुड.